हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग या लव यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम दोबारा से दूसरा सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। चलिए हम देखते हैं सेकंड प्रैक्टिस सेट में हमारा क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न बन रहा है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सी है। तो फ्रेंड्स, घाव को भरने में सहायक विटामिन सी, सॉरी बी हमारा है, ए ऑप्शन सही होगा, विटामिन बी। नेक्स्ट है कि प्राचीन नगर में अवशेष कुंभार स्थल की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पर हुई थी। तो पाटलिपुत्र में बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा प्रश्न होगा कि किस निशानेबाजी की प्रतियोगिता में 8 प्रतियोगियों के स्कोर का औसत 87 पॉइंट था। तो यदि दो शीर्ष प्रतियोगी जिनके स्कोर का अंतर 2 पॉइंट था तो अनुपस्थित हो तो औसत 85 पॉइंट हो जाएगा। तो शीर्ष स्कोर 94 हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु में जो है स्थित केंद्र किससे संबंधित है। तो वस्त्र उत्पादन से है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका कोई ऑप्शन हम टिक नहीं लगाए, आप देख लेंगे, आई होप कि आप इसको हल कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स का कि किस सुल्तान के काल में खलासा भूमि अधिक पैमाने पर जो है विकसित हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी का फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लिंग की स्थापना में नहीं था। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, टी ए एल कार्ट का जो नहीं था। नेक्स्ट है कि हमारा असहयोग आंदोलन की संस्थागन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करिए। तो इसमें हमारा सही क्रम हमारा दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा हमारा सही क्रम हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, हमारा जो है सिक्स हमारा प्रश्न बनेगा कि सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य हैं क्रमशः उत्तर प्रदेश और मिजोरम। नेक्स्ट में हम देखते हैं हमारा दसवां प्रश्न बन जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है। हमारा ग्यारहवां प्रश्न बन रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित में से शब्दों का सही क्रम कौन सा है। तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे बारहवां हमारा प्रश्न बन रहा है कि मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, मुद्रा प्रसार की दर में नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों को घटना नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में अधिकांश बेरोजगारी होती है संरचनात्मक होती है। हमारा नेक्स्ट है कि हरित क्रांति में जो है प्रयुक्त मुख्य पादप फसल जो है कौन सा था। तो मैस्किस्कन गेहूं है एक किस्म है फ्रेंड्स फसल का। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पंद्रहवां के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। कैडमियम हमारा जो है गेहूं के श्रेणी में फ्रेंड्स नहीं आता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो है लिंग संलग्नता की खोज सर्वप्रथम बार किसने की थी। तो मॉर्गन ने किया था। नेक्स्ट हमारा डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। हमारा 17 का देखेंगे कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक रहा। छत्तीसगढ़ में हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, अधिक रहा। नेक्स्ट हमारा 18वां प्रश्न बन रहा है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस का प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। 19वां प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, मेरठ में अवस्थित है। हमारा 20वां प्रश्न बन रहा है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड के सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी का है सही, क्योंकि ए का तीसरा सही है, बी का पहला सही है, सी का चौथा सही है, डी का दूसरा सही है हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा प्रश्न 21वां है कि धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लोक नृत्य सारे आप देख लेंगे। नेक्स्ट पे हम देखते हैं हमारा 22वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा फोटो वोल्टिक्स पॉइंट कहाँ पर प्रस्तावित है, तो कमुथी में है। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति ने कुछ चावल 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा कुछ चावल की मात्रा 24 रुपये की किलोग्राम की दर से खरीदा। तो उसने उन दोनों के
मिला करके, दोनों मिला करके कितने रुपए हुए, 21.60 रुपए हुए। तो फ्रेंड्स अब प्रति किलोग्राम के भाव से बेचकर 20% लाभ जो है क्या किया, अर्जित किया। तो मिश्रण में दोनों प्रकार के चावलों का अनुपात क्रमानुसार होगा 2:1। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा 24वां प्रश्न बन रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन माही नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 25वां हमारा प्रश्न बन रहा है कि भारत का कौन सा शहर जो है सांस्कृतिक घुलन केंद्र मॉल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। फ्रेंड्स तो दिल्ली है। नेक्स्ट हमारा 26वां प्रश्न बन रहा है कि जय प्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली थी। हमारा 27वां प्रश्न बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को नियंत्रित करता है, तो हमारा इसका कोड वाला ऑप्शन सही हमारा 1, 2, 3, 4 हमारा सीरियल से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 28 नंबर 2017 में अमेरिका के लास वेगास में आयोजित मिस यूनिवर्स 2017 का खिताब किसने जीता, तो हमारा डेमी ले नेल पीटर्स ने जीता। फ्रेंड्स ये हमारे करेंट्स हैं, तो आई होप कि ये नहीं पूछ सकता करेंट्स, तो हमारे जो नए करेंट्स बनेगा वो पूछेगा। नेक्स्ट हमारा 29 है कि अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थल से सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था, तो बड़नगर गुजरात में किया था। हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न बन रहा है कि 6 से 11 नवंबर 2017 के मध्य संपन्न जो है संप्रीति नामक जो है सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ था, तो भारत और बांग्लादेश। फ्रेंड्स आई होप अंडरस्टूड, शेयर सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पे, तो फ्रेंड्स ताकि सभी लोगों का हमारे ग्रुप में फ्रेंड्स लोग का हेल्प मिल सके। तो ये हम जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता परीक्षा का जो ये प्रैक्टिस सेट है जो हमारे राजकीय यूपीएससी जो कराती है, तो इससे प्रश्न काफ़ी करके मिलेंगे हमारे से।